नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पिछले कुछ दिनों से खबरों में इन बातों की चर्चा है कि जो बच्चे हैं वो कोरोना की चपेट में अब तेजी से आने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर स्कूलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूल बंद करा दिए जाएंगे। हालांकि डीडीएमए कि जो बैठक होनी है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि इस संबंध में कोई फैसला लिया जाता है या फिर नहीं। बात अगर करें तो बच्चों में संक्रमण क्यों खतरनाक है, जिस तरह से बच्चों में मामले अगर तेजी से फैल रहे हैं तो वो क्यों घातक हो सकता है, यहां पर यह समझने की बेहद जरूरत है। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो 16 मार्च से 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको टीका लगना भी शुरू हो चुका है। 12 से कम उम्र के बच्चों का टीका अभी तक नहीं बन पाया है और जो बना भी है तो उसके ट्रायल अभी चल रहे हैं, यानी कि उससे कम उम्र के बच्चों के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चिंता बढ़नी लाजमी है क्योंकि कोरोना का जिस तरह से प्रसार हमने 2019 के बाद देखा है तो तेजी से एकदम फैल रहा था। उसके बाद हमने देखा कि इससे मौत के आंकड़ों में इजाफा भी देखने को मिला, लेकिन जब से कोरोना वैक्सीन आई है, जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, तो फिर जो मृत्यु दर है उसमें कमी भी देखने को मिली है। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। कोरोना वैक्सीन कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है और दुनिया भर में जो डेथ रेट है वो वैक्सीन की वजह से कम हुआ है। और अब जिन बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिल रहा है, अगर उनकी उम्र 12 से ज्यादा है तो उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फिर प्रशासन इस दिशा में भी ध्यान दे रहा है, उन बच्चों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी एक खबर ब्रिटेन से सामने आ रही है और ब्रिटेन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कंपनी मॉडर्ना ने अब 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, 6 से 11 साल तक के बच्चों को भी अब ब्रिटेन में वैक्सीन लग सकेगी। मॉडर्ना कंपनी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स वैक्सीन को ब्रिटेन ने अब मंजूरी दे दी है। सुरक्षा, गुणवत्ता और असर की कसौटी पर स्पाइकवैक्स खरी उतरी है, जिसके बाद ये मंजूरी ब्रिटेन सरकार की ओर से मिली है कि अब 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो सकेगा और अब ब्रिटेन में 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना रोधी टीका लगाया जा सकेगा। तो ब्रिटेन ने गुरुवार को 6 से 11 साल के बच्चों में मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को मॉडर्ना का टीका लगाने की इजाजत दी गई थी। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी इस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल पाई है। जो वैक्सीन कंपनियां हैं उनके ट्रायल्स भी लगातार चल रहे हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाए। हर कसौटी पर वैक्सीन को परखा जा रहा है कि कहीं बच्चों में किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। बच्चों के लिए कब वैक्सीन आएगी ये सवाल हालांकि अभी तक सभी के मन में उठ रहा है, लेकिन अगर ब्रिटेन के लिहाज से देखें तो दवा नियामक ने गुरुवार को 6 से 11 साल तक के बच्चों में मॉडर्ना की कोविड रोधी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन को स्पाइकवैक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिंस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि MHRA ने बताया कि सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशाली ये वैक्सीन है, जिसके बाद जब ये पूरी तरह से इन मानकों पर खरी उतरी है उसके बाद इसे मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो लगातार नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं और ब्रिटेन अब इस दिशा में अपने लोगों को मजबूत करने में जुटा हुआ है, क्योंकि वैक्सीन लगेगी तो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी और फिर इसके जो कोरोना है उसके प्रभाव के जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी और फिर कोरोना जितना ज्यादा प्रभावी हो सकता है मानव के शरीर पर, एक इंसान के शरीर पर, उतना ज्यादा प्रभावी कोरोना नहीं होगा। हालांकि अगर ज्यादातर बच्चों की बात करें ब्रिटेन में तो कोविड-19 के हल्के या कोई लक्षण भी नहीं देखे गए हैं। भारत के लिहाज से भी इसी तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि स्कूलों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। फिर भी
जिस तरह से ब्रिटेन के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से वहां पर मामले सामने आ रहे हैं, अगर मौजूदा स्थिति को देखें, वैश्विक मानचित्र पर नजर डालें, तो दक्षिणी यूरोप और इसके अलावा चीन में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शंघाई में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, वहां पर सबसे पहले कोरोना के मामले सामने आए थे, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में वहां से ये वायरस फैला, और अब जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ वक्त के लिए तो राहत रहती है, पाबंदियों का पहरा हटता है, लेकिन एक बार फिर से जब तेजी से मामले बढ़ते हैं तो फिर कहीं वो पाबंदियों का दौर आने की संभावना भले ही कम हो क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन कब तक होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है। अगर स्पाइकवैक्स के बारे में बात करें तो ब्रिटेन में 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पहले ही इसके लिए मंजूरी दे दी गई थी। इससे पहले इस उम्र वर्ग के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जा चुकी है। इसके साथ ही ब्रिटेन के दवा नियामक के 50 साल तक के वयस्कों के लिए फ्रांसीसी फर्म वल्नेवा की आसानी से स्टोर होने वाली कोविड-19 वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। MHRA के प्रमुख जून ब्राइन ने एक बयान में कहा कि अब ये सरकार के टीकाकरण सलाहकारों पर निर्भर करता है कि 6 से 11 साल के आयु वर्ग के बच्चों को सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मॉडर्ना का टीका लगाया जाना है या फिर नहीं। मॉडर्ना ने पिछले साल कहा था कि मैसेंजर RNA तकनीक पर आधारित इसकी दो खुराक वाली वैक्सीन ने 6 से 11 साल के बच्चों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा की है और ट्रायल के दौरान किशोरों और वयस्कों में बराबर एंटीबॉडी भी देखी गई है। यानी कि अब ब्रिटेन की कोशिश क्या है? ब्रिटेन की कोशिश यह है कि वयस्कों को तो टीका लगना पहले से शुरू हो चुका था, फाइजर की वैक्सीन भी लगाई जा रही थी, तो जो बच्चे हैं वो कोरोना की चपेट में ना आए और बच्चों में इसका असर ज्यादा ना हो, इसका संक्रमण ज्यादा ना हो, इस लिहाज से अब ब्रिटेन से ये अच्छी खबर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत में इस उम्र वर्ग के लोगों के लिए, इस उम्र वर्ग के बच्चों के लिए, माफ कीजिएगा, कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो आखिर कब तक सामने आ पाती है, क्योंकि भारत में बच्चों में अब कोरोना फैलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और जिस तरह से नोएडा की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 दिनों में ही 41 के करीब बच्चे संक्रमित मिले हैं, तो ऐसे में नजरें इस बात पर भी रहेंगे कि भारत बच्चों के लिए, 6 से 11 साल की उम्र वर्ग के बच्चों के लिए आखिर कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी कब देता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ABC Star News के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।